लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर वह 2014 और 2019 में भारी जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें, राजनाथ सिंह के नामांकन के मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए राजनाथ सिंह का रोड शो लखनऊ के भाजपा कार्यालय से होता हुआ और वह सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहे और तीसरी बार उनकी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। राजनाथ सिंह रथ में सवार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सकता है अल्पसंख्यक विभाग के लोग हैं। आज लखनऊ की सड़कों पर नौजवानों का सैलाब उमड़ा पड़ा है और वो माननीय राजनाथ सिंह को एक बार फिर बहुत भारी मतों की जीत दिलाने जा रहा है और माननीय मोदी जी की अगुवाई में 400 पार की कड़ी में लखनऊ शानदार वोटों के संग राजनाथ सिंह को जिताने जा रहा है। लखनऊ का नहीं, अभी तो पूरे भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और 20 मई को आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से लोग बाहर निकल के अपने मत का प्रयोग करके एक बार पुनः माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और माननीय राजनाथ सिंह जी को पुनः सांसद के रूप में चुनेंगे।